हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एस हमें पूछा गया कि जो फ्लावरिंग इंडक्शन होता है लो टेम्परेचर की वजह से उसको क्या बोला जाता है सो हमें चार ऑप्शन दिए गए फर्स्ट वन इज गिवेन आज क्राउस्कोपी सेकेंड दिया गया हमें क्रैश थर्ड ऑप्शन इज गिवेन आज वर्नलाइजेशन फोर्थ ऑप्शन इज गिवेन आज फोटोपीरियडिज्म So, चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हो सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर ट्रीटमेंट ओके टेम्परेचर ट्रीटमेंट इन केस ऑफ प्लांट टेम्परेचर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इन प्लांट दिस इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट एंड ये क्यों जरूरी होता है सो बेसिकली टेम्परेचर का जो रोल है फ्लावरिंग में दैट इज वेरी क्रूशियल ओके सो द टेम्परेचर हैज इट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट इट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग ओके ऑन फ्लावरिंग सो फ्लावरिंग पे टेम्परेचर का बहुत क्रुशियल इफेक्ट होता है राइट सो टेम्परेचर इज रिक्वायर फॉर द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज फ्लावर सो टेम्परेचर क्या करता है इट हेल्प इन द इनिशिएशन इनिशिएशन एंड ऑल्सो एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर में हेल्प करता है राइट सो बेसिकली कुछ प्लांट्स को क्या चाहिए होता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्लावर्स ट्स इफ विल टॉक अबाउट दिस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट सो कुछ प्लांट्स को क्या चाहिए होता है सम प्लांट्स वेन दे गेट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वेन दे गेट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट देन वो क्या करते हैं देन दे प्रोड्यूस फ्लावर्स ओके आफ्टर गेटिंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट सम फ्लावर्स सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर वो क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे फ्लावर राइट हेयर इज कॉल्ड एस वर्नालाइजेशन इस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को क्या बोल जाता this is called as vernalization. Vernalization बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एस वर्नालाइजेशन इसको वर्नालाइजेशन बोला जाता है सो दिस प्रोसेस राइट हेयर इट हेल्प टू प्रमोट फ्लावरिंग इट प्रोमोट्स द फ्लावरिंग प्रोसेस इनकेस ऑफ सम प्लांट्स हमें पूछा गया था कि इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एस तो करेक्ट तो आंसर आ गया ऑप्शन सी अब बात करते हैं व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट सो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया गया था द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन आज क्रायोस्कोपी सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोस्कोपी अगर इसकी बात करें सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस बाय डिजोल्विंग इट ओके सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ और प्रोसेस टू डिटरमाइन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंसेस

ये किसमें हेल्प करता है ये हेल्प करता है टू मेंटेन लो क्रायोजेनिक लो क्रायोजेनिक टेम्परेचर लो क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेंटेन करने में ये हेल्प करता है सो दिस कैन नॉट बी द आंसर अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में जो कि दिया गया फोटो पीरियडिज्म डू यू मीन बाय फोटो पीरियडिज्म अबाउट इट सो फोटो पीरियडिज्म का मतलब है रिस्पॉन्स ऑफ दिस इज द

so correct answer for this particular question is vernalization which is given in the option c so option c is the correct answer for this question right here i hope you understood it well thank you